मतलब हमारे गांव के जो लोग बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं जो पुराने जमाने के लोग थे ना, ये उन्होंने अपने हाथ से बना रखे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख सकते हो आप, हमारे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है और यहाँ पे पत्थर में हमारा प्याज कट रहा है, जो कि हमारे नहीं भाई बहुत बड़े सेफ हैं दिल्ली के। तो गाइस अब कही जा रही है यहाँ पे मैगी और ये देख सकते हैं कि पत्थर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज का व्लॉग हो रहा है अभी सुबह के 10 बजे शुरू और अभी मैं हूँ जंगल में, ये देख सकते हो मेरे पीछे। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम जंगल में कापल के लिए और मेरे साथ 2-3 लौंडे हैं जो कि अभी पीछे से आ रहे हैं। और दोस्तों अभी हम कापल ढूंढ रहे हैं, अभी एक भी पेड़ नहीं मिला और अभी आगे जाके हैं कापल के पेड़, और मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही वापस चले जाएंगे हम। और दोस्तों हमने साथ में मैगी भी ला रखी है तो मैगी बनाएंगे अगर कापल नहीं मिले तो, और अगर कापल भी मिल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, कापल भी खा लेंगे और मैगी भी खा लेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो अभी हम जा रहे थे और सामने भी हमें एक बड़ा सा पत्थर दिख गया और इस पत्थर के अंदर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मतलब हमारे गांव के जो लोग बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, ये उन्होंने अपने हाथ से बना रखे। ये देखो इसका आकार कुछ अलग है और छोटे आकार में भी बना रखे हैं, ये देख सकते हैं ये वाला ये सारे उन्होंने अपने हाथ से बना रखे हैं, मतलब गाँव के लोग कहते हैं ना। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे और अभी हमें कापल तो मिले नहीं, पहले बन रही हमारी यहाँ पर मैगी जो कि ये देख सकते हो तेल ही तेल डाल रखा है और आग तो जल नहीं रही, और ये मैगी बना रहे हैं सुमित भाई और नेगी भाई। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख सकते हो आप, हमारे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है और यहाँ पे पत्थर में हमारा प्याज कट रहा है, जो कि हमारे नेगी भाई बहुत बड़े सेफ हैं दिल्ली के। और यहाँ पर मैगी बन रही है, अब जल गई आग और अभी तड़का लग गया उसमें भयंकर खतरनाक वाला। अभी एक के साथ डाल देते काट के पूरी पक जाएगा, क्या ये पकेगा? और दोस्तों ये घर का प्याज जो आजकल हो रखा है खेतों में, और हमारे नेगी भाई जो कि लगे हैं बेचारे मेहनत करने में बहुत मेहनत करते हैं यार। अभी कापल भी ढूंढने हैं भाई और ये देखो कितना सीरियस हो के। तो दोस्तों कल वाले ब्लॉग में बताया था खाने के लिए सबसे आगे था ये वाला बोला। हमारे साथ एक ही छपरी है और ये खाने वाला चला गया नीचे। कितनी प्यारी स्माइल है इसकी। फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है और ये है हमारे पत्तल जिसमें मैगी खानी है। देख सकते हो इतना खतरनाक स्टाइल हमारा मैगी खाने का, और ये मैगी खाने में हमारी सहायता करेंगे। चल दौड़ फटाफट, ये हमारे फ्रंट ऑफिस बॉय भर भर के दौड़े पिन कर लाइन लगा। तो गाइस अब कही जा रही है यहाँ पे मैगी और ये देख सकते हैं कि पत्थर भाई ये जैसे कौ के लिए रखी होगी। अबे खा ली ना नवीन, कैसे खा रहे लेकिन शर्म ही नहीं है भाई साहब, पन्नी में तो मैगी खाई जा रही है ऐसे तो भी दौड़ मैगी आई अबे नहीं की उल्टा हमने चलाओ। तो अभी मैगी वगैरह खा ली थी हमने और अब हम आ गए हैं कापलों की खोज में, और ये पीछे देख सकते हो हमारा गांव नीचे एंड यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। और अभी चलते हैं काफल के लिए, अभी तो हमें एक काफल का पेड़ भी नहीं मिला और अभी नीचे जा रहे हैं वहाँ होते हैं तो चलते हैं चलो। तो अभी आ रखे हैं हम तोड़ी में और यहाँ पे बैल वगैरह भी आ रखे हैं घास सूखने, और ये भी है ओए, ओए, ओए। और अभी इनको थोड़ा मैं और गाइस देख सकते हो कैसे भाग रहे ग्राउंड में। और ये देख सकते हो कुछ तोड़ी का व्यू, और ये हमारे साथ वाले हम आ ही रहे थे यहाँ पे, हमें एक फल मिल चुका है, ये पहाड़ी फल होता है, इसका नाम है किनोड़ा, काफी स्वादिष्ट होता है और इसका कलर भी देख सकते हो जैसा एकदम खून सा हो रखा है ये। अभी हमें ढूंढने का पल और हमें जाने हैं नीचे, तो नीचे चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के
व्यू पॉइंट पर, और ये देख सकते हो पूरा हमारा गांव, ये पूरा सितोली गांव है और यहां से पूरा एरिया दिखता है हमारे यहां का। ये बाकी गांव वगैरह देख सकते हो आप, ये नीचे मंदिर भी है यहां पे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम काबल के पेड़ पे, और काबल का पेड़ बड़ी मुश्किल से मिला हमें। ऊपर तो काबल होने रखे थे और इस पे हो रखे हैं। अभी टेस्ट करके बताता हूँ आपको, ये वाले काबल काफ़ी मीठे हो रहे हैं। और अभी निकालते हैं, और इसमें पीछे पूरे पेड़ पे काबल ही काबल लगे हैं। और फिलहाल काबल निकालते हैं, और गाइस हमने काफ़ी काबल काट चुके हैं और हमने निकाल भी रखे हैं, जो कि नीरू भाई के पास दे रखे हमने। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास खाली एक पतीला है जिसमें हमने मैगी बनाई। और अभी हम चल रहे हैं घर, क्योंकि काबल खा के और रखे हम बहुत ज़्यादा परेशान, इतने काबल खा लिए ना पेट एकदम टाइट हो गया, और अब दोबारा काबल खाने की इच्छा ही नहीं बोल रही हमारी। अरे ये तो अब इतना काबल खा लिए इसने, ऊपर ही नहीं चढ़ पा रही। अभी आ चुका हूँ मैं मंदिर में, ये है हमारे गाँव का मंदिर, और अभी अंदर दिखाते हैं आपको। ये है मंदिर का मेन गेट, और ये रहा मंदिर, तो ये है समाधि स्थल, और यहाँ पे बैल, और ये देख सकते हो अंदर। तो गाइस ये रहा हमारे गांव का मंदिर, और अब चलते हैं। आ चुका हूँ मैं पंदेरे पे, ये है पंदेरा, काफ़ी लंबे समय से है ये पंदेरे यहाँ पे, और एकदम पानी आता है, एकदम शुद्ध पानी आता है इसका। और अभी यहाँ पे पहले हाथ मुंह धोते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं। मैंने हाथ मुंह धो लिया और पानी पूनी पी लिया, और दोस्तों करते हैं आज के व्लॉग को एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।